अरे यार ऐसी खराई तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है और ये तो बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। अब तो मुझे अवेंजर्स की मदद लेनी होगी क्योंकि रेड वेनम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा यहाँ से भागने की और इनको थोड़ा बहुत रोकने की। और पता नहीं वेनम भैया कहाँ पर है। वैसे वेनम भैया आप बोल क्यों नहीं रहे? यार सिंचन हम तुम्हारे साथ ही हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं इसलिए हम तुम्हारी फॉर्म में नहीं आ सकते। अरे बाप रे गाइस, ये तो मेरी नॉर्मल बॉडी है इसलिए मैं और ज़्यादा पिट रहा हूँ क्योंकि वेनम भैया मुझसे भी ज़्यादा घायल हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ से भागना ही होगा क्योंकि रेड वेनम बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अवेंजर्स की मदद लेनी होगी। तो चलो गाइस क्यों ना साथ में चले अवेंजर्स की मदद लेने। अगर आप चाहते हैं सिंचन नोहारा बच जाए तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और नए चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो जल्दी से गाइस अब मैं भागने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। अरे बाप रे यार ये भागने ही नहीं दे। तो ठीक है गाइस मैं बहुत ज़्यादा पीट लिया, मेरे हिसाब से मुझे सीधा यहाँ से निकलना चाहिए। एक मिनट ये तो यार बाप रे ये लो यार गाइस मैं तो पीट ही रहा हूँ, मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। अरे बाप रे क्या हो गया गाइस मुझे, मैं तो इतना पतला सा हो गया। अरे यार मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना चाहिए। तो ठीक है गाइस अब सीधा अवेंजर्स के मैंशन चलता हूँ, वहीं पर जाके सबको प्रॉब्लम बताऊँगा और बताऊँगा रेड वेनम कितनी बुरी तरह से मुझे और वेनम भैया को पीट रहा है। चलो गाइस जल्दी पहुँचते हैं, मुझे जल्द से जल्द स्टार्क मैंशन पहुँचना होगा और टोनी भैया को और बाकी अवेंजर्स को अपनी परेशानी बतानी होगी, तभी मेरी प्रॉब्लम का हल निकल पाएगा। तो ठीक है गाइस मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ, वो रहा स्टार्क मैंशन। गाइस एक तो ये मौसम बहुत ज़्यादा गंदा सा हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें जल्द से जल्द अवेंजर्स से मदद लेनी होगी। तो ठीक है गाइस मैं बस पहुँच ही गया, अब जल्दी से यहाँ पर लैंड कर लेता हूँ और सीधा टोनी भैया के पास चलता हूँ। चलो गाइस जल्दी चलते हैं। अरे यार गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे आप सभी की मदद की ज़रूरत चाहिए क्योंकि वो रेड वेनम बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी। एक मिनट वहाँ पर कौन है? अरे तो हल्क भैया भी हैं। चलो गाइस अच्छा हुआ यहाँ पे हल्क भैया और टोनी भैया दोनों मिल गए। अरे हल्क भैया टोनी भैया कैसे हैं आप? हाँ बच्चे हम तो ठीक हैं, लेकिन एक मिनट ये तुम्हारे पास किस तरह की पावर्स हैं? क्या तुम में फिर से तो कार्नेज नहीं आ गया, कोई बुरी शक्ति तो नहीं आ गई? अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास फिलहाल वेनम भैया की पावर्स हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं और वेनम भैया बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी में। हाँ बच्चे मैं जानता हूँ किसी रेड वेनम ने हमला किया हुआ है वेनम पे। एक मिनट आप जानते थे तो मेरी मदद करने क्यों नहीं आए? अरे अरे बच्चे मुझे लगा था वेनम खुद संभाल लेगा, नहीं तो ये हमारी मदद लेने आ जाता ना यहाँ पे। हाँ ये भी बात है, वेनम भैया बहुत ज़्यादा बुरे हैं, घमंडी हैं, आपको अवेंजर से मदद लेनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं है, फिलहाल मेरी बात सुनो, हल्क भैया और टोनी स्टार्क भैया मेरे रेड वेनम बहुत ही बुरा तरीके से मार रहे हैं मुझे और वो मेरे पीछे पड़ गए, वो मुझे जान से मारकर वेनम भैया को अपनी वापस से अपनी प्लेनेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा क्योंकि वेनम भैया सुधरना चाहते हैं। और गाइस अगर वो वेनम भैया को वहाँ पर लेके चले गए तो उनको बंदी बना देंगे या फिर उनको जान से मार देंगे। हाँ बच्चे हम तुम्हारी परेशानी को समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा तुम देख रहे हो हमारे पास ज़्यादा बैकअप नहीं है, ना ही अवेंजर्स है, तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हल्क तो सुनता ही नहीं, अगर ये तुम्हारी मदद करना चाहे तो ले जाओ उसके साथ। अरे बकवास मत कीजिए, हल्क भैया भी चले गए और आप भी चलेंगे मेरे साथ, आप दोनों को ही चलना होगा। तुम चिंता मत करो, हल्क तुम्हारी मदद करेगा, बताओ कहाँ जाना है और किसको मारना है। अरे यार मैंने सोचा था हल्क मना कर देगा तो उसके बहाने मैं भी कर दूंगा। चलो ठीक है सिंचन बच्चे मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम्हें यहाँ से अभी के अभी लॉस सेंटोस से बाहर चले जाओगे। अरे क्यों मैं लॉस सेंटोस से बाहर की जाऊँ, इससे बेटर तो होगा मैं आप दोनों के साथ जाऊँ और जाके रेड वेनम से फाइट करूँ। देखो बच्चे मैं रिस्क नहीं ले सकता तुम्हारी जान का, बैनर को कुछ भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है। टोनी क्या बोल रहे हो? अरे अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मेरा मतलब है बैनर बहुत ज़्यादा पावरफुल है ऑलरेडी और मैं भी अपने सूट की मदद से बच ही जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो सीधा लॉस सेंटोस से बाहर कहीं दूसरे शहर में चले जाओ। अरे यार गाइस क्या करूँ मैं, जाऊँ या नहीं अवेंजर्स को छोड़ के? प्लीज़ कमेंट में बताओ क्या मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं काफ़ी थक भी तो गया हूँ, ऊपर से वेनम भैया को भी रेस्ट चाहिए, अगर उनको रेस्ट मिलेगा तो साथ ही साथ में उनकी पावर्स बढ़ेंगी, तो इसलिए मुझे चले ही जाना चाहिए। हाँ बस ये हुई ना समझदारी बात। हाँ तुम सही कह रहे हो सिंचन, चलो जाओ यहाँ से। हाँ तो एक काम करो बच्चे तुम यहाँ से निकलो, बाकी हम उसको रेड वेनम को यहाँ रोकेंगे शहर में, उससे फाइट करेंगे डिफेंड करेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा और कोई बहाना नहीं, सीधे यहाँ से बाहर निकलना, हमारे पीछे बिल्कुल भी मत आना। हाँ ठीक है भैया मैं समझ गया। तो खैर चलो अब समय आ गया है लॉस सेंटोस से बाहर जाने का, मैं सीधा नॉर्थ सेंटन जाऊँगा और वहाँ पर जाके एक मिनट सबसे पहले अपनी वेनम वाली बॉडी में आ जाता हूँ जिससे कि मैं जल्द से जल्द पहुँच पाऊँ। लेकिन गाइस प्लीज़ मेरी मदद करना, ऐसा ना हो कि रेड वेनम भैया को पता चल जाए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे पीछे आ जाए। अरे बच्चे तुम चिंता कर हम उसको अभी जाके रोक रहे हैं। चल ठीक है हल्क हम चलते हैं। अरे एक मिनट आप रुकिए, सबसे पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो गाइस एक काम करता हूँ, मैं जल्द से जल्द लॉस सेंटोस से निकलता हूँ और सीधा नॉर्थ यंगटन की तरफ निकलता हूँ। तो ठीक है गाइस मैंने अपनी वेनम वाली बॉडी वापस से ले ली है, तो चलो जल्दी चलते हैं वेनम भैया। हाँ सिंचन तुम सही कह रहे हो, जल्दी निकलते हैं यहाँ से, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे बाप रे लेकिन एटी कैसा होगा? अरे आप चिंता मत कीजिए, एटी ठीक ही होंगे, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे यार गाइस एक काम करता हूँ, इधर की साइड से निकलता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रेड वेनम नहीं,
होगा, इसलिए मैं सीधा समुंदर की साइड से निकलता हूँ। एक काम करता हूँ गाइस, जल्द से जल्द आसपास मुझे मिलेगा नॉर्थ सेंटन, तो मैं उधर की तरफ ही पहुँच जाता हूँ। अरे यार गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द पहुँचना ही होगा। तो चलो गाइस, जल्दी से मिलते हैं हम नॉर्थ सेंटन में, मज़ा आएगा। चलो अभी नई मुसीबत, एक नया मिशन, कोई बात नहीं है, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा और रेड मैन को देखना होगा। अरे हल क्या कर रहे हो भाई, पीछे आओ मेरे। हाँ टोटी, बस आ रहा हूँ। अरे ठीक है यार, जाओ बस जल्दी से स्कैन करो वो रेड मैनम कहाँ पर है। वो मेन सिटी पर है। अरे यार ये लॉस सैंटोस छोटा मोटा शहर थोड़ी ना है यार, बस जल्दी से मैप पे लोकेशन लगा दो। अच्छा चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, पहले ये हल्क कहाँ गया यार, मैं अकेला नहीं लड़ने जाने वाला, हो सकता है वो रेड मैनम ज़्यादा खतरनाक हो और मेरी पैंट बजा डाले, लेकिन फिर भी मुझे ढूंढना तो पड़ेगा उसको। लेकिन यार ये है कहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से हल्क भी मेरे पीछे नहीं आया, गड़बड़ ना हो जाए। जल्द से जल्द ढूंढता हूँ उसको, आस पास ही होगा। एक मिनट, मुझे मिल गया वो। ये किसकी आवाज आ रही है? ओ समझा, ये तो एडवेंचर्स हैं। कोई बात नहीं है, इन एडवेंचर्स को पहले मारूंगा, उसके बाद सिंचन को ढूंढूंगा। ये तो बहुत बड़ा तानव लग रहा है, ये जरूर हल्की होगा। तुझे जान से मार दूंगा मैं हल, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये एडवेंचर्स तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं भी रेड पैन हूँ, इनको जान से मार दूंगा जल्दी। तो ठीक है, आ जाओ दिखाता हूँ तुमको अपनी पावर्स। अरे बाप रे, ये तो मुझे मार रहे हैं, मुझे पूरी तरीके से अपनी पावर्स एक्टिवेट करके इन्हें मारना होगा। जल्द से जल्द मारता हूँ और सीधा इनसे पूछता हूँ कहाँ पर है वो सिंचन जिससे कि मैं वैनम को ढूंढ पाऊँ। बहुत हुआ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वेंचर्स, नहीं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये मुझे सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? एक मिनट, नीचे जाके देखता हूँ। ये ले तेरी तो ये ले और ये ले, तुझे खत्म कर दूंगा। बता कहाँ पर है सिंचन? लाल दानव, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम हल्क है। मुझे लाल दाना बोल रहा है मूर्ख, हल्क तुझे खत्म कर दूंगा। जो अरे यार ये तो पावरफुल है, कोई बात नहीं है, मैं तुझे फिर भी चांद से मार दूंगा। मेरा नाम रेड वेनम है, मैं कोई लाल दानव नहीं हूँ। हाँ जो भी हो, मैं तुझे चांद से मार दूंगा। अरे बाप रे, तो नहीं क्या कर रहे हो, साथ में आकर लड़ो, ये मुझे पीट रहा है। अरे हाँ यार मार रहा हूँ, ये मेरे गैजेट्स का असर ही नहीं हो रहा है इस पे कुछ। तुम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम धरती वासी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अगर तुम लोग मुझे सिंचन का पता बता दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पागल मत बन और हमसे लड़, हम तुझे ख़त्म करने आए थे वैनम। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम सबको जान से मार दूंगा। रेड वैनम ज़्यादा पावरफुल है। नहीं रेड हल्क ज़्यादा, अरे मतलब मेरा वाला पावर पीट दिया, अरे टोनी बचाओ। अरे यार मेरी खुद हड्डी पसली टूट रही है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सिंचन सही बोल रहा था, कोई बात नहीं है, फिर भी हम इसको ख़त्म करेंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, हम इसको जान से मार देंगे। बात हुआ तो तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे, ना ही मेरी बात मान रहे हो, अब मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा। आ जाओ अब लड़ते हैं साथ में। अरे यार तेरी तो हाल, तुझे चांद से मार दूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा रेड वैनम। हाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है मुझे, तुझे चांद से मार दूंगा, मुझे ठीक से खड़ा होने दे ग्रीन हॉल, तुझे चांद से मारूंगा। एक मिनट कहाँ गया, ये रहा तेरी तो। अरे बाप रे, ये ले। अरे बाप रे जॉर्विस, ये बहुत बुरी तरह से पीट रहा है, मेरे सूट में खराबी आ रही है। अरे यार गलत पंगा ले लिया इससे, बाकी के मेजर्स कहाँ पर हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हॉल बहुत बुरी तरह से मारूंगा, तुझे खत्म कर देगा। तो बहुत हुआ, अब समय आ गया है तुम लोगों की चांद से मरने का, तो ठीक है तैयार हो जाओ। अरे यार तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम इंसान हैं और हम किसी की नहीं सुनते, समझा, तुझे ख़त्म कर देंगे हम। ऐसा ही कर रहे हो, हल्क मारो उसको। हाँ टोनी तुम सही कह रहे हो, हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है अब मुझे ख़त्म करके दिखाओ, मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा। अरे यार कितना गुस्सा दिलाते हो तुम इंसान, जेले जेले जेले, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द सिंचन का पता बताओ क्योंकि मुझे उसे अपने साथ लेके जाना है, जल्दी बताओ। अरे टोनी बचाओ, या मुझे मारा। अरे यार जॉर्विस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरे चेहरे को मिसाइल स्पेसर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं रेड वैनम हूँ, मैं कोई मामूली वैनम नहीं हूँ पागल हो, इसलिए मुझसे पंगा मत लो और बता दो कहाँ पर है सिंचन, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हम तुमको कभी नहीं बताएंगे कि सिंचन हमारे शहर में नहीं है। ओ अच्छा तो वो तुम्हारे शहर में नहीं है। अरे यार मूर्ख हल्क, मैंने बोला था ना कुछ ना बोलने को। अरे टोनी मैंने उसको कुछ नहीं बताया। अरे पागल उसको पता चल गया वो सिंचन शहर से बाहर चला गया है। मैंने पहले ही बोला था तुम इंसान मूर्ख हो, देखो मैंने तुम्हारा क्या हाल किया है, देखो मैंने तुमको जान से मार दिया है, तुम सब अब जान से मरने वाले हो इंसानों। अरे पागल छोड़ मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं।
मैं तुझे चांद से मार दूंगा हल। तो मैंने हल को चांद से मार दिया, अब समय आ गया है सिंचैन का। तो मुझे चल से चल सिंचैन को ढूंढना होगा और इसको खत्म करना होगा। इंसानों, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रेड वेनम से टक्कर लेके, और वेनम मैं तुझे ढूंढ के ही रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे इस दुनिया को खत्म ही करना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये लो, बहुत ज्यादा मजा आ गया। अरे यार गाइस, मुझे चल से चल लॉस एंटोस से बाहर निकलना ही होगा। वैसे मैं लॉस एंटोस से बाहर तो निकल चुका हूँ, लेकिन नॉर्थ एंटन अभी तक नहीं पहुँचा हूँ। देखिए गाइस, मेरे हिसाब से आसपास नॉर्थ एंटन ही है, तो मैं आप सभी को नॉर्थ एंटन में ही मिलूंगा। पता नहीं अवेंजर्स किस हाल में होंगे, लेकिन चल से चल मैं ठीक है गाइस। तो मैं पहुँच चुका हूँ नॉर्थ एंटन में, लेकिन यहाँ पर घोस्ट राइडर ना मिल जाए मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फालतू में फिर घोस्ट राइडर से भी लड़ाई हो जाएगी मेरी। लेकिन जाके देखता हूँ क्या घोस्ट राइडर यहाँ पर है। अरे बाप रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो अच्छी बात है, हो सकता है घोस्ट राइडर शिकार पे गया हो। यहीं रेस्ट करता हूँ गाइस। ना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे पूछूं कि सिंचैन कहाँ है। वो दोनों नमूनों को तो मैंने जान से मार दिया, लेकिन मुझे जल्द से जल्द सिंचैन के पास पहुँचना ही होगा। ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा रहा है। इंसानों बताओ सिंचैन कहाँ पर है। मुझे बहुत गुस्सा रहा है। तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। मेरे हिसाब से इन लोगों को मारना बेवकूफ़ी होगी। मुझे खुद ही जाके ढूंढना होगा कि सिंचैन नोहरा है कहाँ पर, क्योंकि फैनम को मुझे जल्द से जल्द पकड़ना ही होगा। लेकिन ये लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं, ये पता क्यों नहीं देते कि सिंचैन है कहाँ पर। मुझे समझ में आया, अब मेरे हिसाब से मुझे अपनी सुपर हीलिंग का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही सिंचैन की मुझे आवाज़ आएगी, मैं सीधा सिंचैन के पास पहुँच जाऊँगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस शहर के चक्कर लगाता हूँ और सिंचैन को सुनने की कोशिश करता हूँ। जल्द से जल्द उस समुंदर के पास जाता हूँ, शायद वहाँ पर जाके मुझे पता चल जाए कि सिंचैन कहाँ गया होगा। एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ आसपास कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मुझे लगता है सिंचैन यहाँ आया होगा, क्योंकि मुझे उसके पैरों के निशान मेरी सुपर आई से दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, या फिर हो सकता है अवेंजर्स यहीं रहते हों। तो मुझे जल्द से जल्द पहुँचना होगा सिंचैन के पास। ये लो, मैं स्टॉक मैंसन को भी ख़त्म कर दूंगा। ये स्टॉक मैंसन कुछ नहीं है। ये लो, मैं तुम्हारे सारे के सारे एरियाज को तबाह कर दूंगा सिंचैन। ये लो, मैं तुम्हारा स्टॉक मैंसन ही तबाह कर दूंगा। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। आज कुछ नहीं बचेगा। ये जो आयरन मैन है, इसकी सारी पावर्स को मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर कोई भी हिम्मत नहीं करेगा रेड वेनम से लड़ने की। मज़ा ही आ गया। मेरे हिसाब से मुझे अब सिंचैन को सुनना होगा और उसके पीछे जाना होगा। एक मिनट, मुझे सिंचैन की आवाज़ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है वो आसपास के किसी बर्फीले शहर में है, जहाँ पर सिर्फ ठंड ही ठंड है। तो मुझे वहाँ जाना होगा। तो ठीक है, वहाँ सीधा निकलता हूँ। मुझे पूरी स्पीड में उस बच्चे सिंचैन के पास जाना होगा, क्योंकि वो सिंचैन यहाँ से दूर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मैं उसे ठीक से सुन नहीं पाऊँगा। अपनी पूरी स्पीड में जाता हूँ। सिंचैन, मैं आ रहा हूँ। ये अर्थ तो बहुत ही ज़्यादा ठीक है, जहाँ पर मुझे काफ़ी नई तरह की शक्तियाँ मिल गई हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो गया हूँ। तो ठीक है, मैं उस शहर में पहुँच ही गया हूँ, तो यहीं कहीं सिंचैन होगा। तो जल्द से जल्द सिंचैन से जाता हूँ मिलने, और उसको पकड़ के अपने प्लेनेट लेके जाऊँगा। और उसके बाद मेरे लोग मुझे शाबाशी देंगे और मैं वेनम को ज़िंदगी भर के लिए बंदी बना लूँगा। तो ठीक है, नीचे यहीं कहीं सिंचैन होगा। तो चलो पहुँचते हैं। ये रहा सिंचैन का ठिकाना, वो यहीं कहीं से बोल रहा था। सिंचैन, मैं आ गया, अब क्या करेगा तू? देखता हूँ कहाँ पर है ये सिंचैन। तो वो रहा सामने। अरे बाप रे गाइस, ये रेड वेनम तो यहाँ आ गया, भागो।